नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों हाल ही में माई स्पोर्ट चैनल पर जो स्ट्राइक आई है, मैं उसके बारे में आप सभी से अपने विचार साझा करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों ये बड़ी ही दुखद घटना है, जिस प्रकार धर्मेंद्र कुमार जी सभी यूट्यूबर्स को जो गाइडेंस दे रहे थे और उनके चैनल पर उनके किसी अपने ने ही जो स्ट्राइक लगाई है, जिसने उनसे उंगली पकड़कर चलना सीखा, उसी ने उनको धोखा दिया। ये सब जानकर बड़ा दुख होता है दोस्तों। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी यूट्यूबर से ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे बहुत से क्रिएटर को गाइडेंस देकर यूट्यूब चैनल बनाने के लिए प्रेरित किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लोगों को बहुत सा सपोर्ट मिला, हेल्प मिली, और वो सदैव लोगों की हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं। माई स्पोर्ट यूट्यूब चैनल केवल एक चैनल ना होकर हम जैसे लाखों क्रिएटर्स की हेल्प में बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। तो मैं उन क्रिएटर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने चैनल पर स्ट्राइक लगाई है, वो अपनी स्ट्राइक को तुरंत वापस ले लें, क्योंकि धर्मेंद्र कुमार जी बहुत ही हेल्पफुल पर्सन हैं और उनका जो सारा कुछ है वो यूट्यूब चैनल पर ही डिपेंडेंट है, उसी से उनका सारा रोजगार है, वही उनकी रोजी रोटी है। तो किसी की रोजी रोटी पे लात मारना ये बहुत ही बुरी बात है दोस्तों। मैं एक बार फिर सभी क्रिएटर्स को कुछ बातें गाइड करना चाहता हूँ, खासकर जो नए क्रिएटर हैं, कि अपने चैनल पर किसी भी चैनल को कभी भी सपोर्ट ना करें, उनकी वीडियो ना दिखाएं, ना कभी किसी के गाने वगैरह अपनी वीडियो पर यूज करें। दोस्तों इस तरह से आपके चैनल पर कभी भी कोई स्ट्राइक लगा सकता है। धर्मेंद्र कुमार जी ने तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए, उनके चैनल को प्रमोट करने के लिए अपने चैनल पे उनकी वीडियो को प्रमोट किया, पर जब वो उनकी मदद ना कर सके तो उन्होंने चैनल पर स्ट्राइक लगा दी, कंप्लेन फाइल कर दी। अब उनको जो नोटिफिकेशन आया है 7 दिन के अंदर उनका जो चैनल है वो बंद कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। सोचिए जिसने 4 साल न दिन देखा न रात देखी, लगातार मेहनत करते रहे, वीडियो बनाते रहे, लोगों की मदद करते रहे, पर लोगों ने उनको ये जो मदद करने का जो सिला दिया है उससे पता लगता है कि आज की डेट में किसी की हेल्प भी करना बड़ा खतरनाक काम है। लोग आपका कब यूज कर जाएं आपको पता नहीं लगता।
मैं उम्मीद करूंगा कि उनका जो चैनल है जल्द से जल्द स्ट्राइक से बाहर आए और वो फिर से हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए जो नई वीडियो है वो लॉन्च कर सकें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।